हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी पोशाक बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हमने ये ड्रेस प्योर कॉटन के कपड़े से बनाई है, जो कि कान्हा जी के लिए गर्मियों में बहुत आरामदायक होती है। इस ड्रेस को बनाना जितना आसान है, कान्हा जी को पहनाना भी उतना ही आसान है। हमें देखिए, ये जो हमने चोली बनाई है, कान्हा जी के कंधे पर डालनी है इस तरीके से, और फिर हमने ये दोनों तरफ से डोरी लगाई है, इसको पीछे की तरफ से हम बांध देंगे। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है। इसके साथ ही साथ मैंने सभी नंबर के कान्हा जी के लिए मेजरमेंट भी बताया है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है adicultural_world268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की समर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कान्हा जी की सिंपल और इजी ड्रेसेस की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए मैंने सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक में से एक पीस कट कर लिया है। मैंने अस्तर का फैब्रिक यूज़ किया है, क्योंकि ये बहुत ही पतला और मुलायम होता है। आप देख सकते हैं, ये आर पार झलकता है। तो गर्मियों में कान्हा जी के लिए इस तरह के पतले और मुलायम कपड़े बहुत ज़्यादा आरामदायक होते हैं, इसीलिए मैंने ये फैब्रिक यूज़ किया है। अगर आपके पास अस्तर का फैब्रिक नहीं हो, तो आप कोई भी कॉटन का फैब्रिक या फिर रेयन का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है, वो हमने 10 इंच यानी कि 10 इंच रखी है, और इसकी जो चौड़ाई है, वो हमने 6 इंच यानी कि 6 इंच रखी है। ये मेजरमेंट हमने 6 नंबर के कान्हा जी के लिए रखा है। तो 0 से लेकर के 10 नंबर तक के कान्हा जी के लिए सबसे पहले मैं आपको कपड़े की लंबाई का मेजरमेंट बता देती हूँ। 0 नंबर के कान्हा जी के लिए कपड़े की जो टोटल लंबाई होगी, वो हमें 4 इंच यानी कि 4 इंच रखनी है। 1 नंबर के लिए 5, 2 नंबर के लिए 6, 3 नंबर के लिए 7, 4 नंबर के लिए 8, 5 नंबर के लिए 9, 6 नंबर के लिए 10, 7 नंबर के लिए 11, 8 नंबर के लिए 12, 9 नंबर के लिए 13 और 10 नंबर के कान्हा जी के लिए कपड़े की जो टोटल लंबाई है, वो हमें 14 इंच यानी कि 14 इंच रखनी है। अब 0 से लेकर के 10 नंबर तक के कान्हा जी के लिए मैं आपको कपड़े की चौड़ाई का मेजरमेंट बता देती हूँ। 0 नंबर के कान्हा जी के लिए कपड़े की जो टोटल चौड़ाई होगी, वो हमें 3 इंच यानी कि 3 इंच रखनी है। 1 नंबर के लिए 3.5, 2 नंबर के लिए 4, 3 नंबर के लिए 4.5, 4 नंबर के लिए 5, 5 नंबर के लिए 5.5, 6 नंबर के लिए 6, 7 नंबर के लिए 6.5, 8 नंबर के लिए 7, 9 नंबर के लिए 7.5 और 10 नंबर के कान्हा जी के लिए कपड़े की जो टोटल चौड़ाई होगी, वो हमें 8 इंच यानी कि 8 इंच रखनी है। अब हमें कपड़े को बराबर करते हुए बीचों बीच से फोल्ड करना है, और यहाँ से कट करके दो पीसेस में डिवाइड कर देना है। कट करने के बाद अब हमें इसको बीचों बीच से ऐसे फोल्ड कर लेना है बराबर करते हुए। देखिए, इधर से ये फोल्डेड वाली साइड है, और इधर की तरफ से ये ओपन वाली साइड है। तो जो ओपन वाली साइड है, यहाँ से हमें शेप ड्रॉ करना है। देखिए, फ्लावर का शेप हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं, हमने इस तरीके से शेप ड्रॉ किया है। अब हम इसको इसी शेप में कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको जब हम ओपन करेंगे, तो देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करनी है, और इसी शेप में सिलाई लगाते हुए हमें इसको यहाँ से यहाँ तक सिल लेना है। ऊपर की तरफ से हमें इसको खुला ही छोड़ देना है। हमने देखिए यहाँ से यहाँ तक इसी शेप में सिलाई भी लगा ली है। अगर सिलाई लगाते समय थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसमें लेस लगाएंगे तो इसका शेप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हमें चारों तरफ से इस पर छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं, क्योंकि कट्स लगाने की वजह से ही जब हम इसको पलटेंगे, तो इसमें पलटने में भी आसानी होगी और इसका शेप भी अच्छा आएगा। अगर हम कट्स नहीं लगाएंगे, तो इसको पलटने में प्रॉब्लम होती है और शेप अच्छा नहीं आता है। तो आप भी कट्स लगाना स्किप ना करें, कट्स ज़रूर लगाएं। कट्स लगाने के बाद अब यहाँ ऊपर से जो ओपन वाली साइड है, यहाँ से हमें इसको पलट कर सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पर एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि अच्छे से बैठ जाएगा। सिलाई लगाने के बाद अब देखिए, हमने ये रेड कलर की लेस ले ली है। आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर लेस है, और मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है। अगर आपके पास इसमें की लेस नहीं हो, तो आप कोई भी दूसरी रेड कलर की लेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जिस भी कलर की ड्रेस बना रहे हैं उसे मैचिंग की लेस यूज़ कर लें। अब देखिए, हमें इसको यहाँ से रखना है,
और ये जो हमने सिलाई लगाई है इसके ऊपर से रखते हुए इसी शेप में यहाँ से यहाँ तक लगा लेना है। चारों तरफ से लेस लगाने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें इसको पलटकर पीछे की तरफ से रखना है और ऊपर से जो हमने इसको खुला छोड़ा था ना, यहाँ से देखिए एक बार हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड कर लेंगे। ऐसे डबल फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब हम कान्हा जी के लिए चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमने देखिए कॉटन के फैब्रिक में से एक पीस कट कर लिया है। इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो हमने 10 इंच यानी कि 10 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 2 इंच यानी कि 2 इंच रखी है। ये मेजरमेंट हमने 6 नंबर के कान्हा जी के लिए रखा है। तो 0 से लेकर के 10 नंबर तक के कान्हा जी के लिए मैं आपको कपड़े की लंबाई का मेजरमेंट बता देती हूँ। 0 नंबर के कान्हा जी के लिए कपड़े की जो टोटल लंबाई होगी वो हमें 4 इंच यानी कि 4 इंच रखनी है। 1 नंबर के लिए 5, 2 नंबर के लिए 6, 3 नंबर के लिए 7, 4 नंबर के लिए 8, 5 नंबर के लिए 9, 6 नंबर के लिए 10, 7 नंबर के लिए 11, 8 नंबर के लिए 12, 9 नंबर के लिए 13 और 10 नंबर के कान्हा जी के लिए कपड़े की जो टोटल लंबाई होगी वो हमें 14 इंच यानी कि 14 इंच रखनी है। अब हम कपड़े की चौड़ाई का मेजरमेंट देख लेते हैं। तो 0 से लेकर के 5 नंबर तक के कान्हा जी के लिए कपड़े की जो चौड़ाई होगी वो हमें 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच रखनी है और 6 से लेकर 10 नंबर तक के कान्हा जी के लिए कपड़े की चौड़ाई हम 2 इंच रखेंगे। अब देखिए हमने ये जो पीस कट किया है इसको एक बार हम ऊपर से फोल्ड कर लेंगे, फिर एक बार हम इसको ऐसे नीचे से फोल्ड कर लेंगे, फिर बीच में से फोल्ड करते हुए इसको बराबर करके रखेंगे हम और इस पर सिलाई लगाकर पट्टी तैयार कर लेंगे। पट्टी तैयार करने के बाद अब हमने ये रेड कलर की लेस ले ली है जो कि हमने ड्रेस में भी लगाई थी। तो जिधर की तरफ से हमने इसको फोल्ड करके सिलाई लगाई है उधर की तरफ से हमें लेस को इसके ऊपर रखना है और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है। लेस लगाने के बाद अब हमें इसको देखिए बीच में से बिल्कुल बराबर करते हुए फोल्ड कर लेना है और यहाँ सेंटर से कट करके 2 पीसेस में इसको डिवाइड कर देना है। 2 पीसेस में कट करने के बाद अब हमें देखिए इसको एक के ऊपर एक करते हुए हल्का सा इस तरीके से रखना है और इसको इसके ऊपर रखते हुए यहाँ से सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है। डोरी जॉइंट करने के बाद अब हमने देखिए सिल्वर कलर की डोरी में से 2 पीसेस कट कर लिए हैं। अगर आपके पास इसमें की डोरी नहीं हो तो आप शॉर्टन रिबन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर खुद से डोरी बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए हमने ये जो चोली जॉइंट की है ना, तो इसे आधे इंच की गैपिंग छोड़ते हुए फिर हमें यहाँ पर ऐसे डोरी लगा लेनी है और इधर की तरफ से भी हमें आधे इंच की गैपिंग छोड़नी है और यहाँ से डोरी को सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है। डोरी लगाने के बाद अब ड्रेस कंप्लीट हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही इजी और सिंपल सी समर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।